सिलीगुड़ी का मोमो का बात ही कुछ और है, इसलिए लेते चले। बहुत ही ट्रेन भी छूट जाएगा, नहीं छूटे। अरे दही दही हम डरते ना है। मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स अभी आगे पहुंच गए हम लोग बिहार के थाना बीरपुर स्टेशन में। और सुबह बहुत लेट से उठा मैं क्योंकि सो गया और 10:30-11 बज रहा है अभी। और पहला स्टेशन हम लोग को मिला है थाना बीरपुर। और ये पूरा स्टेशन है देखिए, यहाँ पे छोटा स्टेशन है, एक्चुअली बिहार का एक छोटा स्टेशन है, लेकिन बैठने का जगह बहुत सुंदर है, यहाँ पे बैठ सकते हैं बढ़िया से। और हमारा ट्रेन है, यहाँ का स्टॉपेज 2 या 3 मिनट का है, तो मैं जल्दी से ट्रेन में बोर्ड कर लेता हूँ, नहीं तो फिर छोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों ने मस्त पेड़ा, इसको मन किया पेड़ा का, ब्रेकफास्ट के लिए नहीं लिया है। चाय 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 दे दीजिए भाई, तो ये ले लिए तो चाय चाय भी ले लेते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मिठाई, ब्रेकफास्ट के बाद नहीं, चाय के साथ पीऊंगा, चाय के साथ बाद में कुछ और खा लेंगे। इधर मैंने चाय भी मस्त ले लिया और इसका पेड़ा ले लिया, चलो खाते हैं। बाहर का पेड़ा है, बहुत टेस्ट लगता है, बहुत ज्यादा। चलो इधर खाते पेड़ा, मस्त लेकिन अच्छा लग रहा है, देख के बहुत टेस्टी लग रहा है। खाते पेड़ा से पेड़ा और चाय, आज का फर्स्ट मील। खाना खत्म, सोना चालू, ऐसे खाती है सोती है, खाती है सोती है, इसका आदत है। अभी खाई अभी सो गई तुरंत। पूरा ट्रेन की जर्नी ऐसे ही पार हो गया, सो सो के मेरा जान जा के बोर हो गए। सभी हम लोग आके पहुंच गए कटिहार जंक्शन में, ये देखिए यहाँ पे कटिहार, तो कटिहार आके पहुंच गए हैं। पूरा एक कटिहार जंक्शन है, पूरा कटिहार जंक्शन है देखिए। और यहाँ पे मैंने फूड ऑर्डर किया है, अभी तक आया नहीं है, कॉल करेगा शायद, आई थिंक अब आता है कि नहीं देखता हूँ, वेट कर रहा हूँ उसी का। बाहर लंच ले लेता हूँ क्योंकि हम लोगों ने सुबह से सब ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का कुछ कुछ खाया है, तो मैं सोचा कि लंच करेंगे, तो लंच अभी ऑर्डर किया मैंने, तो देखता हूँ आता है कि नहीं। और ये पूरा देखिए कटिहार जंक्शन है, ये पूरा जंक्शन है, इधर बैठने का पूरा मस्त जगह ही बेच रहे हैं। फूड वाला अभी तक आया नहीं है और ट्रेन छोड़ने का टाइम हो गया है, तो मैंने इधर ले लिया है पॉपकॉर्न, कुरकुरे का पॉपकॉर्न। तो चलता हूँ अंदर, देखता हूँ क्या अंदर आ गया, क्या तो देख लेता हूँ पहले, ट्रेन के अंदर आ गया होगा सर, मैं बाहर हूँ तो देख ढूंढ रहा था और देख के आ गया था अंदर। ये खाना हमारा आ गया ना, तो बहुत से लंच करेंगे अभी, चावल सब्जी सब्जी पनीर है क्या, पनीर ही है शायद, पनीर जैसे लंच कर लेते हैं, भूख लग चुकी है एक्चुअली। हम लोग सुबह से हल्का फुल्का ही खा रहे थे, हम लोग का मस्त लंच हो गया और ट्रेन अभी कटिहार जंक्शन से निकल चुकी है। और कहते हैं पे आके थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक मारा है, तो पता नहीं कौन सा है, लेकिन यहाँ पे देखिए मस्त एक खेत है पूरा, किसी का तालाब वगैरह है, पानी उन्हें पिला रहे हैं गाय को। और ये पूरा एरिया, यहाँ मंदिर एक देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर एक है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये रास्ता एक्चुअली ये सड़क है और अंदर से गया है, रेलवे ट्रैक के अंदर से गया है सड़क, देखिए सूरत। और एक्चुअली क्या पार्क है, कोई पास हो से शायद कोई ट्रेन आने वाला है, किसी ट्रेन को पास देकर इधर से रोक दिया गया शायद, ऐसा लग रहा है क्योंकि स्टेशन का थोड़ा इधर ही रोका हुआ है, स्टेशन से जस्ट निकला हुआ था थोड़ा देर हुआ जैसे। क्या मस्त तालाब के अंदर घुस गई है, पानी के अंदर पूरा नहा रही है मस्त से, बहुत ही खूबसूरत। बाकी लोग चल रहे हैं, मस्त पानी के अंदर घुस गई है, बैठा हुआ है देख रहा है गाय को नहाते हुए, नहा रहा है मतलब। क्या पहुँच गया है बरसोई जंक्शन में, और ये पूरा बरसोई जंक्शन है देखिए, इधर ये पूरा है और इधर बाहर एग्जिट जाने का रास्ता है। इधर ही सीढ़ी के नीचे बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड ना रहो, क्योंकि ट्रेन में एक्चुअली जर्नी जो होता है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, कुछ समय के लिए कुछ थोड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद जब सफ़र ज़्यादा लंबा होने लगता है ना फिर बहुत ज़्यादा बोर लगने लगता है। तो ये हाल है सर, बोर लग रहा है। अभी फिलहाल हम लोग आके पहुँच गए बिहार के बरसोई में, इसके बाद किशनगंज पहुँचेंगे और आई थिंक बिहार का लास्ट स्टॉप होगा किशनगंज, उसके बाद हम लोग घुस जाएंगे वेस्ट बंगाल में। ऐसे ही चल रहा है हम लोग का सफ़र और कल सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे सिमलगुड़ी रेलवे स्टेशन। पहुंच गए किशनगंज, किशनगंज अब बिहार का लास्ट स्टॉपिस है, यहाँ से डायरेक्टली बंगाल शुरू हो जाएगा। स्टेशन है देखिए किशनगंज का, पूरा रेलवे स्टेशन, दुकानें लगी हुई है किशनगंज में, डायरेक्ट ट्रेन के साइड में ही सारी दुकानें यहाँ पे लगाए हुआ है स्टॉल, सब कुछ ले सकते हैं पटापट, और पीने का शुद्ध पानी भी यहाँ पे है।
फाइनली आके पहुंच गए एनजीपी, और एनजीपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे बुआ का घर है और मैं जब भी आता हूँ पार करके नहीं जाता हूँ, बुआ घर में रुक ही जाता हूँ। लेकिन इस बार एक्चुअली हम लोग को जाना पड़ रहा है ना, हर बार रुक ही जाते हैं, इस बार जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो हम लोग का ऐसा होता यहाँ पे रुक जाते फिर दो तीन दिन बाद ऐसा रहता जाने का फिर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार डायरेक्ट मिल गया, क्या करें, उपाय नहीं था। अच्छा लगता है रहना, मतलब मेरा फेवरेट जगह है। और ये पूरा स्टेशन है, देखिए एनजीपी रेलवे स्टेशन पूरा है। कुछ लोग ही मोमो दुकान है इधर, मोमोज का। अरे मोमो किधर ले रही हो? मैं बस मोमो का दुकान देखी, नहीं छुटेगा, नहीं 10 मिनट रुकेगा। ये पूरा मोमो का दुकान है, देखिए मोमो एक्सप्रेस। तो मोमो ले लेते हैं यहाँ से, इधर मोमोज और बिस्किट ले लिया मैंने यहाँ से मस्त। और ये देखिए खड़ा हो गई है जाके पहले, जिसको ज्यादा ही डर लगता है ट्रेन छूट जाएगा बोल के, लेकिन मुझको नहीं लगता है, मैं तो ले लिया और चढ़ ही जाऊंगा, कैसे भी नहीं चढ़ पाएगी। मोमो का बात ही कुछ और है, इसलिए लेते चले। फ्रेंड्स इधर छोड़ दिया ट्रेन, तो मैं भी बोर्ड कर लेता हूँ फटफट से, एनजीपी को बाय बाय करके हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मस्त मोमोस इधर ले लिया हम लोगों ने, और इसको सो के उठने के बाद कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, इसलिए इसने मोमोस खरीदा है। खाओ, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। पहले आप खाइए, पहले तुम टेस्ट करके बताओ। नहीं आप करो, मैं तुम्हें खा लो, मजा आ गया मुझको। मोर मूवी इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा मोमोज है, ठीक है, तो तगड़ा लग रहा है, चटनी और थोड़ा लेना चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। इसके अंदर से अच्छा लग रहा है ना। फिर रात के बज गए 7:30 और अभी हम लोग आके पहुंच गए न्यू कूचबिहार रेलवे स्टेशन में, और इधर मेरा आ गया है डिनर, तो डिनर मिल गया है, फटाफट कर लेता हूँ प्रॉपर से ट्रेन में, उसके बाद खा लेते जल्दी से, खा के जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह 10:30 के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे घर, तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, तो प्रॉपर से चलते हैं और डिनर कर लेते हैं। अगर डिनर आ गया है और इसमें है रोटी वगैरह, और इधर हम लोगों ने स्पेशल मंगाया है पनीर पिज्जा, तो पनीर पिज्जा खा लेंगे, और इधर थोड़ा रोटी सब्जी खाएंगे बाद में ना, बाद में खाएंगे रोटी सब्जी। खाता अभी इनका मन था पिज्जा खाने को, कैसे भी ऑर्डर करके जाने के टाइम में किए थे बट नहीं हुआ, आने के टाइम में इनका मुराद पूरा हो गया, लीजिए खाइए। तो अभी खा रहे थे प्रॉपर से पनीर पिज्जा, मस्त लग रहा है देख के, तो जल्दी से पनीर पिज्जा खा लेते हैं उसका डिनर करेंगे। मस्त हम लोग का डिनर उनर हो गया और अब चल रहे हैं सोने के लिए, और इसका नखड़ा शुरू हो गया है, खा रही है सूर्य, खा रही है सूर्य, खड़ा खड़ा सो जा रही है, अभी खाते खाते सो गई थी फिर जाके फिर खाई, ऐसा है इसका हालत, मतलब इससे ऐसा प्रकार कुछ नहीं खाई मैं, मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बड़ा खा रही है, सिर्फ और सिर्फ खा रही है और सो रही है, दूसरा कोई काम नहीं है। तो बस आज हम लोग पहुंच गए हैं अभी तक, तो वेस्ट बंगाल हम लोग क्रॉस किया है और अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में आसाम घुस जाएंगे, और कल सुबह 10:30-11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे शायद घर। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूं, आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आपको भी नोटिफिकेशन मिलते है, मिलते हैं फिर से नए व्लॉग के साथ, टाटा बाय, सी यू टुमारो, गुड नाइट, टाटा बाय। ये खाना हमारा आ गया ना, कैसे दीदी नहीं दिया पैसा।